Hi guys, welcome back to my YouTube channel Grooming Classes and today's our topic is diction. Okay guys, तो आज हम sixth diction करने वाले हैं. अगर हमारे sentences में ऐसा होता रहता है, वैसा करते रहते हैं, जैसे sentence आते हैं, तब हम अपने sentence में keep on या keeps on का use करके अपने sentence को translate कर सकते हैं. Okay guys, तो here is your formula and here is the examples. एग्जाम्पल्स देखते हैं. इट कीप्स ऑन हैपनिंग, इट्स नॉट ए न्यू थिंग. मतलब ऐसा होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है. ओके, चिल्ड्रन कीप ऑन क्वेरलिंग ओवर पेटी मैटर्स. मतलब बच्चे तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते हैं. एक्सीडेंट्स कीप ऑन टेकिंग प्लेस इन बिग सिटीज. मीन्स बड़े बड़े शहरों में एक्सीडेंट होते रहते हैं. ओके, अगर आपको लिखना है कोई नई बात नहीं है तो आप आगे लिख सकते हैं इट्स नॉट अ न्यू थिंग. नेचुरल क्लाइमिटीज कीप ऑन टेकिंग प्लेस इन कोस्टल एरियाज. तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनमें आपके नेचुरल क्लाइमिटीज मतलब प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है. पेटी मैटर्स कीप ऑन टेकिंग प्लेस इन बिग सिटीज. मीन्स बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. ओके गाइज, तो ये था हमारा सिक्स डिक्शन जिसमें हमने बहुत ही जनरल कन्वर्सेशन में यूज होने वाले सेंटेंस देखे, उसका फॉर्मूला देखा. आइए अभी देखते हैं हम पास्ट में कैसे हम ऐसे सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं. अगर हमारे सेंटेंस में ऐसा होता रहा या वैसा करते रहे जैसे शब्द आते हैं तो फिर हम कैप टोन का यूज करके अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे. ओके गाइस, तो आइए देखते हैं कैप टोन का यूज. दिस इज अवर सेवेंथ डिक्शन और हम पास्ट में इसका यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम जो यूज करने वाले हैं दैट इज जो प्रेजेंट में यूज किया था दैट इज कीप ऑन या कीप्स ऑन. अभी हम पास्ट में यूज कर रहे हैं दैट इज कैप्ट ऑन. तो ऐसा होता रहा या वैसा करते रहे जब हमारे सेंटेंस में दिखाई देता है तब हम उसमें कैप्ट ऑन का यूज करते हैं. जैसे दे कैप्ट ऑन ग्रम्बलिंग ड्यू टू एंगर. वे गुस्से के कारण बड़बड़ाते रहे. ग्रम्बलिंग मीन्स होता है बड़बड़ाना. ओके, दे कैप्ट ऑन स्नोरिंग लाउडली. वे जोर जोर से खर्राटे लेते रहे. पैसेंजर्स कैप्ट ऑन डोजिंग ऑल द वे. मीन्स यात्री पूरे रास्ते भर ऊंघते रहे. डोजिंग मीन्स होता है ऊंघना. ओके, ऊंघते रहे. नेक्स्ट है वी कैप्ट ऑन टॉकिंग फॉर आवर्स टुगेदर. मीन्स हम घंटों तक साथ में बात करते रहे. लीडर्स कैप्ट ऑन पुलिंग लेग्स ऑफ ईच अदर. मीन्स जो नेता थे वो एक दूसरे की खिंचाई करते रहे. ओके गाइस, तो ये थे हमारे सेंटेंस सेवेंथ डिक्शन का जो ऐसा होता रहा वैसा करते रहे पास्ट में जिसमें हम कैप्ट ऑन का यूज कर रहे थे और ये हमारे एग्जांपल्स. तो प्रेजेंट और पास्ट हम देख चुके हैं, अभी हम देखेंगे फ्यूचर में कैसे इनका यूज होता है. दिस इज अवर एथ डिक्शन और इसमें हम देखेंगे कि फ्यूचर में हम कैसे कीप ऑन का यूज करेंगे. ओके गाइस, तो आइए देखते हैं. ऐसा होता रहेगा या ऐसा चलता रहेगा करते रहेंगे जैसे शब्द अगर आपके सेंटेंस में आते हैं तो वहां पर हम विल कीप ऑन का यूज करके अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे. ओके गाइस, तो इट विल कीप ऑन हैपनिंग मतलब ऐसा होता रहेगा. ओके, पीपल विल कीप ऑन एक्सप्लॉइटिंग यू इन दिस वे. मींस लोग तो तुम्हारा लोग ऐसे तो लोग तुम्हारा शोषण करते रहेंगे. ओके, पीपल विल कीप ऑन टेकिंग अनड्यू एडवांटेज. लोग तो ऐसे तुम्हारा फायदा उठाते रहेंगे. ओके, You will keep on coming across such people almost daily. ऐसे लोगों से तुम्हारा वास्ता रोज ही पड़ेगा. Next है, people will keep on making laugh you in this way. कि लोग तो ऐसे तुम्हारा मजाक उड़ाते रहेंगे. Okay guys, आज हमने देखा keep on का use present, past और future में. If you want to go for more detail, then check the description box. Okay guys, तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ. Thank you.